हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों 10 अप्रैल 2023 वार सोमवार, हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि स्काई मेट वेदर रिपोर्ट अपनी जारी करेगा कि क्या अलिनो पर क्या फोरकास्टिंग है, मानसून की क्या फोरकास्टिंग है। तो संकेत अच्छे नहीं है, ओवरऑल जो भी है बेकार संकेत है। तो हम भगवान से दुआ करेंगे कि विज्ञान फेल हो और सभी जगह अच्छी बरसात हो। अच्छी बरसात होने से मतलब ये नहीं होता कि भाई 15 दिन खुल के बरसे और फिर सूखा रहा, तो वो कोई बरसात में नहीं, उससे ना फसलों को कोई फायदा है ना किसी को फायदा है। बरसात वो है जो 3 3 दिन रुक के बरसता रहे, महीने में 15 दिन बरस जाए, वो है बरसात। तो ऐसी बरसात तो अब चली गई है जो पहले होती थी, पर फिर भी साइंस ने कहा है तो अब मानना पड़ेगा कि अलनीनो आ रहा है, संकेत अच्छे नहीं है। तो अब इसका किस एग्री पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होएगा? मोस्ट इम्पैक्टेड एग्री जो रह सकती है इस फोरकास्टिंग के दम पर, वो रहेगी मूंग और ग्राउंडनट, मूंगफली। एम जो वर्ड है इस साल छाया हुआ है ग्राउंडनट, मूंगफली और मूंग दाल। मूंग दोनों में जबरदस्त तेजी है और ये रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है। ये वायदा से बाहर है, ग्राउंड नट का वायदा, मूंगफली का वायदा भारतीय बाजारों में आएगा, एनसीडीएक्स ने ऐसा कहा है। वहीं बात करें और एग्री की, ग्वार पर बड़े सवाल आ रहे हैं। तो ग्वार पर इसका असर देखने को मिला, 2% 2.5% नीचे बाजार और पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, अब थोड़ा सा स्टेबल से कामकाज कर रहा है। तो ग्वार पर इस रिपोर्ट का अधिक असर नहीं होएगा, सप्लाई साइड प्रॉब्लम है तो डिमांड साइड भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। बाकी टारगेट वगैरह दे ही रखे नीचे के, वो उनमें अब कोई बदलाव करने की नहीं लगता कि कोई जरूरत पड़ेगी, वो फाइनल है और हमारी तरफ से वहीं तक बाजार जा रहा है। अलनीनो की चाहे कुछ भी फोरकास्टिंग आई हो, मार्केट का जो प्राइजेक्शन है वो क्लियर है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आप मान के चल सकते हो पिछले सप्ताह का हाई और आज का लो, ग्वार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी आज भी बाजार ग्वार का जो एकाएक जो शॉर्ट कवरिंग आई उसमें वॉल्यूम नहीं थी, शॉर्ट भी कवर नहीं हुए, नए लोगों ने बाय किया है और बेचा नहीं उस टाइम पे, बस कुछ एक लोगों ने बेचे हैं, कम वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है और ऊपर के ऊपर बाय करने में ज्यादा समर्थ रहे बायर थे, शॉर्ट सेलर ने अपना शॉर्ट कवर नहीं किया, वो ऊपर से शॉर्ट ही करके आ रहा है आज भी। जो उसका जो प्राइस एक्शन मैंने उसको कंप्लीटली वॉच किया। उसके अलावा मोस्ट इम्पैक्टेड एग्री रह सकती है तीसरे नंबर पर, यदि इम्पैक्ट की बात करें तो बिनोड़ा। अगर जे कैटल फीड में गर्मी के साथ कुछ भी चीज में परिवर्तन आएगा, कैटल फीड की यदि चराई में परिवर्तन होएगा तो वो इम्पैक्ट करेगा बिनोड़ा को, और बिनोड़ा ही में एक तेजी का टर्नओवर मर सकता है। उसके अलावा मोटे अनाज की जहां तक बात करें तो जो मोटा अनाज का गढ़ है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, तो बाजरा सुपर पॉजिटिव ट्रेंड में है। हाई हमने आपको जब गिरावट आई तब बताया था हाई बनाएगा, जो पिछला हाई था उसको टच करेगा, वो किया है। उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है क्योंकि गेहूं के प्राइस एक डार्कनेस की तरह काम कर रहे हैं और वो उसको इम्पैक्ट करते हुए आ रहे हैं। यही चीज प्रैक्टिकली जो यही चीज बाजरे के ऊपर प्रेशर बना रही है। अब यहां से बाजरे का बिकवाड़ पीछे हट जाएगा, स्टॉकिस्ट के पास बाजरा है और वो चला जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी 19-20 होता है तो इसका कोई पुराना बैगेज भी नहीं, ग्वार के पास तो 10-10 साल का ग्वार पड़ा है, जबकि बाजरे में ऐसा कोई पीछे का बर्डन भी नहीं है। तो बाजरा एक मोस्ट इम्पेक्टेड एग्री हो सकती है, मक्का पर असर रहेगा, चावल पर असर रहेगा, जो पॉजिटिव ट्रेंड में है उसको तलाशते हैं, उसमें और पॉजिटिविटी आएगी। राइस बहुत ही अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में है, कम बारिश ओवरऑल इंडिया हो ही रही है तो चावल पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं बात करें उसके अलावा कुछ और एग्री की यदि हम बात करना चाहें तो इसके ऊपर ज्यादा असर बाजारों पे आता हुआ नहीं दिखेगा। बाजारों पे जो मेन सोयाबीन की बात कर लेते हैं, सोयाबीन पर इस खबर का अधिक इम्पैक्ट जिस हिसाब की फोरकास्टिंग है और जिस हिसाब की उन्होंने फोरकास्टिंग डाली है मैप के जरिए, मुझे नहीं लगता कि सोयाबीन में कोई ज्यादा इम्पैक्ट आएगा।
महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है वहीं पे थोड़ा सा बारिश की कमी बताई गई है, जबकि जो महाराष्ट्र से लगा हुआ हिस्सा है, महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहां जहाँ सोयाबीन का बेल्ट का गढ़ है, वहां पे बाजारों में अच्छी एक चीज और अच्छी बारिश यानी सामान्य बारिश बताई गई है। तो सोयाबीन का कोई भी प्रभावित करने वाला कारक अभी तक नहीं निकला है, होगा वो जो आगे में प्राकृतिक चाहेगी, पर टेक्नोलॉजी के साथ चले तो ऐसा कोई परिवर्तन सोयाबीन में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं कपास की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड है बुलिशनेस के साथ कामकाज कर ही रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और जिस हिसाब के सेंटिमेंट है यूएसडी की कल रिपोर्ट आएगी $100 की और शायद चली जाए इस वाले झटके में आइस कॉटन, तो ये जो सेंटिमेंट जो मने हुए हैं तो इस सेंटिमेंट के साथ कॉटन पर भी इम्पैक्ट रहेगा, और अलिनो जिस हिसाब से इम्पैक्ट करेगा तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव होएगी। अमेरिका में भी अलिनो का इम्पैक्ट हो रहा है तो वहां पे भी क्वालिटी इंप्रूव होने की बातें हैं। यदि बारिश का थोड़ा बहुत भी डेफिसिट रहता है 5-6% सामान्य के से कम 6% भी रहता है तेलंगाना वगैरह जहां से अच्छी क्वालिटी, गुजरात और मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो एक अच्छा संकेत आएगा। बाकी फाइनल इसको तब लेके चलेंगे जब भारतीय मौसम विभाग भी अपना अनुमान जारी करेगा। तो ये हमारा मौसम के ऊपर अनुमान था कि अलिनो का क्या इम्पैक्ट बाजारों पे होता हुआ नजर आएगा।